तो बीजेपी को डर है केजरीवाल जी से, क्या एक प्रधानमंत्री हमने ऐसे भी चुना था जो दिन रात झूठ बोलता था? 7 में से 5 तो पक्के है कि जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ मतलब अग्रेसिव हो रहे। दिल्ली की जनता के लिए कोई काम नहीं किया वो केजरीवाल, इस केजरीवाल में तो बहुत अंतर है। वो सिर्फ पब्लिक को एक गुमराह करने के लिए पूरा इमोशनल ब्लैकमेलिंग वाला कार्ड चल रहा है। पिछले 10 सालों में सिर्फ गुमराह किया है, काम नहीं किया। अगर केजरीवाल जी से ही इनको दिल्ली में डर है, इस केजरीवाल का सपोर्ट नहीं करूंगा जो एक के साथ एक दारू फ्री कर देगा। राम मंदिर से क्या मिला है आपको? तो मोदी जी का मतलब है झूठ का पिटारा। देखो सर, पिछले बार में 7 के 7 जो लोकसभा के थे वो बीजेपी के थे। अब मुझे अभी जो समीकरण मिला है, मुझे लगता है कि 1-2 सीटों का तो अंतर आ जाएगा। मेरे हिसाब से तो मेरा ओपिनियन है कि 5 सीट बीजेपी के आएगी और 2 इनके भी जो अपना जो इनका गठबंधन हुआ है ना उस पर जाएगा, ऐसा मेरा अनुमान है। पर क्यों ऐसा क्यों लग रहा है कि देखिए काम नहीं किया? नहीं, काम के लिए नहीं। कभी कभी क्या होते हैं ना, कुछ तत्कालीन कारण होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं, और कुछ कैंडिडेट जब बदलते हैं ना आपके, उसका भी एक रीजन होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ काम ही इम्पोर्टेंट होता है। मेरे हिसाब से मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि 7 में से 5 तो पक्के है कि जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ मतलब अग्रेसिव हो रहे हैं, लेकिन 1-2 सीटें ऐसे हैं जो उन्होंने कैंडिडेट को काफी बदला है। तो 2 सीटों पे मामला है, इनका समझौता भी हो गया। बीजेपी तो किसी से समझौता नहीं की है भाई, तो देखिए उसका प्रभाव तो पड़ता ही ना समझौते से, ये भी तो एक चीज है ना। और केजरीवाल के ऊपर क्या कहेंगे? कल केजरीवाल तो इवन फैसे पर मिल गए। देखिए केजरीवाल के बारे में तो अभी क्या नाम, उनका तो अभी केस चल रहा है तो उसके बारे में तो भाई हम क्या बोल सकते हैं। लेकिन हाँ, केजरीवाल से मेरे को बहुत उम्मीद थी, सबसे बड़ी बात तो मैं बता दूँ, और मैं खुद उनको बहुत बड़ा आइडियल मानता हूँ। मैं खुद युवा हूँ तो वो भी एक वही युवा थे, सबसे पढ़े लिखे देश के मुख्यमंत्री थे, और एक पार्टी आंदोलन से शुरू हुई थी। सबसे बड़ी बात ये नहीं कि केजरीवाल भ्रष्ट है कि उन्होंने शराब की नीति क्या किया, पैसा लिया नहीं लिया, मुझे उससे मतलब नहीं है। लेकिन उन्होंने एक वो थे तो एक आइडिया लगता था कि अगर हम बीजेपी को नहीं देंगे, कांग्रेस को नहीं देंगे, तो एक ऐसी पार्टी है जिसको हम दे सकते हैं। लेकिन हाँ, मैं बहुत शौक हो गया कि ये क्या कहते हैं, मनीष सिसोदिया हो गए, संजय सिंह हो गए, ये सब एक के साथ एक कुछ ना कुछ तो है जो हाईकोर्ट उनको बेल नहीं दे रहा है। सालों भर चिंता बस कैचर कुछ ना कुछ है। मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि क्या है, वो तो देखिए आपको प्रूफ करना है, सबूत होगा, न्यायालय का विचाराधीन है। बट लेकिन मेरा पर्सनल जो ओपिनियन है, जो हमने रामलीला में ना केजरीवाल को देखा था ना, वो केजरीवाल इस केजरीवाल में तो बहुत अंतर है। इन्हें ना सत्ता का मेरे को तो लगता है ना गुरु तो चढ़ गया है। अब उनके जो गुरु अन्ना हजारे का भी आप स्टेटमेंट देखो, उन्होंने भी ये बोला था कि केजरीवाल को ये काम नहीं करना चाहिए था। देखिए उस समय एक से एक लोग थे जो देश को आगे बढ़ाना चाहते थे, किरण बेदी हो, कुमार विश्वास हो, प्रशांत भूषण हो, ऐसे लोग थे जो देश को अल्टरनेट पॉलिटिक्स में लेके जा रहे थे। एक संग्राम था जिसमें हम लोग भी कहीं ना कहीं छोटा अपना योगदान दिए थे। योगदान क्या, जाके खड़े होकर केजरीवाल जी का भाषण सुने थे। और सबसे अच्छी बात है कि हमारे देश का सबसे पढ़ा लिखा चीफ मिनिस्टर, एक बताइए आप जेल के अंदर से क्या आप प्रमाण जारी कर रहे हैं दिल्ली वालों के लिए, ये है वो है, पूरा इमोशनल ब्लैकमेलिंग वाला कार्ड चल रहा है। उनकी बीवी को, उनकी बीवी किस हिस्सा से बोल रही है, वो किसी पार्टी की कुछ है क्या? आप जब किसी को या तो भी जैसे लालू यादव ने अंदर कहते तो राबड़ी देवी को तो केजरीवाल को बना देना चाहिए था, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। वो आती सी आती है बोलती है मेरे को कि मेरे को केजरीवाल जी ने ये आदेश दिया, एक दिन सौरभ भारद्वाज बोलते कि मुझे दिया, तो ये तो कार्ड खेला जा रहा है। इवन कि ना आम आदमी पार्टी में मेरा जो मानना है केजरीवाल ही जी सर्वोच्च है, वही आदेश देते वही करा रहे, उनको सब कुछ मालूम था कि मेरे साथ होना क्या है। वो रटा रटा स्क्रिप्ट है और स्क्रिप्ट के साथ वो चल रहे हैं। कल भी जो हाईकोर्ट ने उनका बात नहीं माना। देखिए आप ना नैतिक जिम्मेदारी भी होती है आदमी के अंदर, नैतिकता आपने खो दिया है। सीएम पोस्ट की गरिमा बनाए रखने का, सीएम होना ना बहुत बड़ी बात है। दिल्ली, दिल्ली को पूरी हिंदुस्तान के लोग जानती है। देखिए ये दिल्ली क्या है, आप क्या सोचेंगे दिल्ली का, दिल्ली का पॉलिटिक्स पूरे देश में पड़ता है, देश तो क्या विदेशों में जाके इसका पड़ता है। तो केजरीवाल को ना एक अच्छा ना एग्जाम्पल सेट करना चाहिए था यहाँ पर। क्या कर दिया दारू वाले मामले में, दारू वाले, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं उस केजरीवाल को जानता हूँ था, मैं उनका सपोर्ट था जिन्होंने रामलीला मैदान में ना 8-10 दिन तक ना बेचारे भूखे प्यासे उन्होंने देश के लिए आंदोलन किया था। इस केजरीवाल का सपोर्ट नहीं करूंगा जो एक के साथ एक दारू फ्री कर देगा, हमारे युवा को या हमारे घर को बर्बाद कर दे। देखो दिल्ली की जनता ने मूड बना लिया है और दिल्ली की जनता के मूड को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के जो 7 MP थे, सीटिंग MP थे, और जिसमें एक राज्य मंत्री भी थे, दिल्ली की जनता के लिए कोई काम नहीं किया। जैसे MCD में दिल्ली की जनता ने बीजेपी को बाहर किया है,
उसी तरह से एमपी के चुनाव में भी, लोकसभा चुनाव में भी दिल्ली की जनता जो है बीजेपी को आउट करेगी, बाहर करेगी, क्योंकि दिल्ली की जनता पढ़ी लिखी जनता है। 400 पर वो सिर्फ पब्लिक को गुमराह करने के लिए, पब्लिक को गुमराह करने के लिए, अगर मोदी जी को 400 पार की उम्मीद है तो दिल्ली के 7-6 सांसदों की सीट नहीं बदलते, 100 से ज़्यादा सांसदों की टिकट काटे हैं, इन्होंने कोई काम नहीं किया, देश की जनता को पिछले 10 सालों में सिर्फ गुमराह किया है, काम नहीं किया। अगर जनता के लिए काम किया होता तो जो पिछले सांसद हैं उन्हीं को ये रिपीट करते। केजरीवाल जी ने काम किया है तो एमसीडी में जीता, और काम किया है उन्होंने तो दिल्ली में भी जीतेंगे। केजरीवाल जी से ही इनको दिल्ली में डर है, पूरे देश में अगर मोदी जी को कोई रोकने की अगर आज ताकत है तो वो केजरीवाल के अंदर ताकत है, जिसके ऊपर बिना सबूतों के, बिना प्रूफ के जेल में रखा है। एक सीटिंग है, सीटिंग मुख्यमंत्री के ऊपर कोई आरोप लगाता है और 5 बार वो अपने आरोपों में केजरीवाल जी को निर्दोष साबित करता है और 6ठे आरोप में वो आप उसे दोषी बोलता है रिश्वत का। और एक सीटिंग राज्यपाल एक आरोप लगाता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। एक नॉर्मल साधारण आदमी के बयानों पर केजरीवाल को जेल में डाला जाता है, तो जो एक सीटिंग राज्यपाल, पूर्व राज्यपाल जो आरोप लगा रहा है, उसकी जांच क्यों नहीं हो रही? तो बीजेपी को डर है केजरीवाल जी से, और केजरीवाल ही एक ऐसा आदमी है जो बीजेपी की जड़ों को उखाड़ सकता है। आप बोल रहे हैं बीजेपी ने कुछ काम नहीं किया, तो राम मंदिर को बनवा सर, राम मंदिर से दिल्ली वालों को क्या मिलेगा बताओ? आपको रोजी रोटी मिलेगी? आपको रोजगार मिलेगा? महंगाई कम हुई क्या बताओ? राम मंदिर से क्या मिला है आपको? राम मंदिर, राम तो सबके दिल में है, वो एक आस्था की चीज है। मंदिर कहाँ नहीं है बताओ? आप अपने घर में मंदिर में पूजा करते हो या नहीं? अयोध्या जाते हो पूजा करने के लिए? अयोध्या जाने से ज्यादा मिलेगा या घर पे ज्यादा करने से मिलेगा? मंदिर से क्या मिला है आपको बताओ? मंदिर से रोजगार मिला, शिक्षा मिला, स्वास्थ्य मिला, क्या मिला है? दिल्ली की जनता को मोदी जी ने गुमराह किया है, देश की जनता को गुमराह किया है। आज बच्चे सड़कों पे घूम रहे हैं बेरोजगार, शिक्षा को कितना महंगा कर दिया, कापी टैक्स पे, कापी पेन पेंसिल पे भी टैक्स लगा दिया। जब के मोदी जी आए थे जब 30 रुपए की दूध की थैली मिलती थी, आज 70 रुपए की दूध की थैली मिल रही है। जब मोदी जी आए थे जब 14 रुपए का आटा मिलना था। सिलेंडर तो पहुंचा दिया। क्या पहुंचा दिया? घर घर सिलेंडर पहुंचा दिया। 400 रुपए का सिलेंडर 1200 रुपए का कर दिया। अभी सिलेंडर पे पैसे कम किए हैं मोदी जी ने, चुनाव को देखते हुए कि अब हमारी हवा उड़ रही है, धज्जियां उड़ रही है, तो सिलेंडर कौन सी गैस के पैसे कम हुए? पेट्रोल डीजल पे 2 रुपए कम किए, कहाँ से कम हुआ? कच्चे तेल के रेट कम हुए क्या? जब कच्चे तेल के रेट कम हुए तब तो पेट्रोल डीजल का रेट कम नहीं किया? जो 40,000 की मोटरसाइकिल आती थी वो 1,00,000 रुपए की मोटरसाइकिल आ रही है। जो 3,000 रुपए का लोहा बिक रहा था वो 7,000 रुपए का बिक रहा है। जो 150 रुपए की सीमेंट की बोरी थी वो 400 रुपए की बिक रही है। तो महंगाई ने कमर तोड़ दी। मोदी जी को लग गया है कि अब मेरी सत्ता नहीं वापिस आने वाली, तो वो कुछ भी सर 400 कुछ भी बोल सकते हैं। उन्होंने बोला नहीं कि 2 करोड़ रोजगार दूंगा, बहुत हुई महंगाई अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ भ्रष्टाचार अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार। तो मणिपुर में क्या हो रहा है, क्यों नहीं मोदी जी मणिपुर में गए बताओ? मणिपुर में क्यों नहीं गए मोदी जी? जो महिलाओं के अत्याचार के साथ खड़े हुए थे उनको सभी को टिकट दिया गया, और जो भ्रष्टाचारी थे सारे भ्रष्टाचारी मोदी जी की पार्टी में, नवीन जिंदल को क्या हुआ? महाराष्ट्र से क्या हुआ है? जो आदर्श घोटाली का, जो मोदी जी मंचों से एक प्रधानमंत्री संवैधानिक पद पे खड़े होते हुए आरोप लगाता है, तो उसकी जांच होनी चाहिए या नहीं? आम आदमी पार्टी के, अरे वो तो ईडी सीडी से सब जाएंगे, इसी के ऊपर भी झूठा आरोप लगाओ आप सब जाएंगे। ये नवीन जिंदल के चारों तरफ ईडी घूम रही थी, आज वो राज्यसभा लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं कुरुक्षेत्र से बीजेपी से। आदर्श घोटाले घोटाले का जिसके ऊपर मोदी जी आरोप लगा रहे थे भरी स्टेज हो से, एक संवैधानिक पद पे बैठते हुए प्रधानमंत्री आरोप लगाए, उसकी जांच नहीं, और उसे राज्यसभा का टिकट, वही प्रधानमंत्री राज्यसभा का टिकट थे, और एक आम आदमी के आरोप लगाने पर एक सीटिंग मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया, कहां का कानून है ये? जिसकी लाठी उसकी भैंस। क्या है ईडी? ईडी क्यों नहीं उसके पास जा रही? आदर्श घोटाले वाले के पास, नवीन जिंदल के पास क्यों नहीं जा रही, जिसके साक्ष्य प्रूफ है? जो प्रधानमंत्री ने बोला है वो झूठ है, या एक आम आदमी आरोप लगा रहे एक मुख्यमंत्री के ऊपर वो झूठा है? क्या हमारा देश का प्रधानमंत्री झूठा है? क्या हमारा प्रधानमंत्री झूठ बोलने की मशीन है? जो जिन जिनके ऊपर आरोप लगाता है उनको राज्यसभा से या लोकसभा से मंत्री बनाता है? बताओ अजीत पवार के लिए क्या बोला था मोदी जी ने? चक्की पीसम 48 घंटे के अंदर मुख्यमंत्री बनाया। तो इसका मतलब ये है कि देश का प्रधानमंत्री झूठ बोलता है, उसे अपने बयानों पर विश्वास नहीं है।
क्लीन चिट देता है, मुख्यमंत्री बना दिया, और एक नॉर्मल आदमी के बोलने पर एक मुख्यमंत्री को जेल में डाल रखा है ईडी के साथ, जबकि कोई प्रूफ नहीं है। वो बोल रहा है कि क्या प्रूफ है, कल भी केजरीवाल जी ने बोला है कि मेरे ऊपर आरोप क्या है, किस आरोप में मुझे डाला है। एक सीटिंग राज्यपाल, पूर्व राज्यपाल बोलता है तो उसके बयानों की कोई वैल्यू नहीं, और एक आम आदमी बिजनेसमैन जो बीजेपी को 65 करोड़ का 50 करोड़ का चंदा देता है उसकी बात को माना जाता है। तो बीजेपी का मतलब है, भारतीय जनता पार्टी का मतलब है, प्रधानमंत्री मोदी जी का मतलब है चंदा दो धंधा लो। मुझे दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं। हिमाचल प्रदेश की 37 कंपनियां, मेडिकल कंपनी जिनकी दवाई फेल हुए थे, सैंपल फेल हुए थे, उन कंपनियों ने मोदी जी को 750 करोड़ का चंदा दिया और वो सैंपल पास हो गए। तो ये जनता की जान से खेलने वाले प्रधानमंत्री हैं, इनको कोई दुनिया से मतलब नहीं। अपनी सत्ता का सुख लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी भी भ्रष्टाचारी को पार्टी में शामिल कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी जेल में डाल सकते हैं ईडी के द्वारा, सीडी के द्वारा, किसी भी तरह से कुछ भी कर सकते हैं प्रधानमंत्री। इनको देश की चिंता नहीं, देश की जनता की चिंता नहीं, सिर्फ अपना सत्ता का सुख चाहिए। इनको सत्ता के सुख के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। किसानों के लिए क्या बोला था, यही मुख्यमंत्री थे 2011 में, तब लेटर लिखते थे मनमोहन जी के लिए, क्या हुआ उसका, क्या हुआ? यही मंत्री थे 2011 में, तब लेटर लिखते थे मनमोहन जी के लिए, क्या हुआ उसका, क्या हुआ? यही मुख्यमंत्री थे उस टाइम पे 2013 में, 12 में बोलते थे कि जिस देश का रुपया गिरता है उस देश के प्रधानमंत्री की साख गिरती है। आज के प्रधानमंत्री जी की साख बढ़ रही है, 85 के आसपास पहुंच चुका है डॉलर। बहुत सारे झूठ बोलते हैं, विदेशों में जाके बोलते हैं हमने रोज एक IIT बनाई, रोज IIMT बना रहे हैं, मेडिकल कॉलेज बने, दिखाएं कहां है जनता के लिए। तो मोदी जी का मतलब है झूठ का पिटारा। झूठ बोलने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं जिनको सर्वोच्च पदक मिलेगा। इतिहास याद करेगा कि एक प्रधानमंत्री हमने ऐसे भी चुना था जो दिन रात झूठ बोलता था।